चिल्लू पार का जिक्र कर रहे थे, चिल्लू पार विधानसभा का जिक्र कर रहे थे केडी यादव जी, लेकिन लेकिन ये दक्षांतर में जो चिल्लू पार है ये तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी, सपा, ये सब तमाम सीटों के इतर ये तो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर तो एक परिवार का दबदबा रहा है ना, हरिशंकर तिवारी जी का, मैं गलत हूँ? नहीं, आप गलत नहीं है जी, लेकिन चुनाव के दौर में तमाम परिदृश्य बदलते हैं। इस बार आप 2017 से आइए, उसके पहले राजेश त्रिपाठी भी बसपा से वहां जीते थे, वहां बसपा के अपने आधार कैडर के वो काफी अधिक मात्रा में है। और पिछले वर्ष चुनाव में 2017 में जो गोरखपुर से सिर्फ एक सीट जीती गई थी वो भी बसपा के टिकट पर हरिशंकर तिवारी जो कैबिनेट पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं उनके लड़के विनय शंकर तिवारी ने ली थी, और वो इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्राह्मण मतदाता अच्छे हैं, लेकिन ये भाजपा से भी ब्राह्मण राजेश त्रिपाठी लड़ रहे हैं और सपा से भी ब्राह्मण विनय शंकर तिवारी लड़ रहे हैं। बसपा ने वहां से इस बार राजेंद्र सिंह पहलवान को चुनाव उतारा है जो जब से राजपूत है, लेकिन जहां तक देखा जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, इकलौते विधायक और मतलब विधानसभा में बहुत ही नगण्य उपस्थिति के बावजूद कुछ ऐसे जरूर किए और ऐसा विश्वास जलाया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं बेहतर काम कर सकता हूं, तो विनय शंकर तिवारी इस बार एक अच्छी पोजीशन में वहां नजर आ रहे हैं। इससे कहीं दो राय नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एक अच्छी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन इस क्योंकि यहां पर एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है इसे, और लगभग अगर मेरा आकलन सही है तो आप उसको दुरुस्त करिएगा अगर मैं गलत हूंगा, तो लगभग 4.5 लाख वोटरों में से 1 लाख के आसपास वोटर जो हैं वो ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट पर दाव खेला है और सपा ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट पर। मैं इसलिए तिवारी परिवार का जिक्र कर रहा था क्योंकि पंडित हरिशंकर तिवारी का एक गढ़ माना गया, मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा था सर। जी, तो हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि राजेश त्रिपाठी जी ने भाजपा ने इस बार अपना पूरा टिकट दिया है, उन्होंने ही बसपा के टिकट से पंडित हरिशंकर तिवारी को भी यहाँ से शिकस्त दी थी, लेकिन समय के साथ में मैंने आपसे कहा कि इस बार चुनाव जहां तक मेरे पत्रकारिता की अपनी सोच है या जो दृष्टि है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव मुख्यतः सपा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के मध्य आकर फंसा हुआ है, और ये कहना कि कोई भी पार्टी 300 का प्लस ले जाएगी ये चुनावी दावे हो सकते हैं, लेकिन जीत हार का अंतर बहुत जगह बहुत मामूली वोट रहेंगे। ब्राह्मण के मत में दोनों डाका डालेंगे, लेकिन जो राजपूत वर्ग का मत है वो माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, ड्यू टू हमारे चाहे आप मुख्यमंत्री का नाम ले लें और चाहे सवर्ण के नाम पर ले लें, लेकिन इस बार वहां से बसपा के राजेंद्र सिंह पहलवान के खड़े हो जाने के कारण निश्चित है कि वो राजपूतों के मत में भी कुछ ना कुछ दखल लेंगे ही, और बसपा के वोट उनके पास अच्छे हैं, तो ले दे के यहाँ पर मैं त्रिकोणीय संघर्ष देख रहा हूँ थोड़े से, मतलब ब्राह्मण वोटों को साथ लाने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है और सपा भी कर रही है, लेकिन तीसरा भी मैदान मार सकता है। सपा कर रही है, सपा के पास अपने जो उसके मूलभूत वोटर हैं जो पिछले 5 वर्षों में यह माना जा सकता है कि वो एक कुंठा की स्थिति में थे, वो इस बार मुखरित हो रहे हैं, तो विनय शंकर के पास जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ में जो सपा के वोट जुड़ रहे हैं वो उनको यहाँ की लड़ाई में थोड़ा सा प्लस करते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन केसी जैन साहब, आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी सियासी लड़ाई को, जो कि चिल्लू पार का जिक्र केडी यादव जी ने भी किया, और आपके सामने अभी जो है रत्नाकर जी ने भी किया, और उनका कहना यह है कि यह लड़ाई भले ही दिखाई दे रही है लेकिन लड़ाई आमने सामने की नहीं, त्रिकोणीय लड़ाई है, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए अभी रत्नाकर और उन्होंने पूरा उठाया कि यहाँ है और
अन्य पार्टियों ने भी यहाँ, तो देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ, जनता पार्टी के साथ अलग-अलग। केसी जैन साहब मैं माफी चाहूंगा, आपके ऑडियो में बहुत समस्या आ रही है, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। लेकिन केडी यादव जी, अभी मेरे पास जो आंकड़ा आया है, मैं आंकड़ा देख रहा था, उत्तरोला विधानसभा में खबर ये आ रही है कि ईवीएम खराब हो गई है और मतदान जो है पिछले एक घंटे से जो है वो बाधित पड़ा है और पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। ये उत्तरोला विधानसभा का जिक्र मैं कर रहा हूं और सिद्धार्थनगर में जो है वो विधानसभा के जो आंकड़े आ रहे हैं, सिद्धार्थनगर जिले की मैं बात करूं तो 1 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है जी, वो बासी में लगभग 35% और इटावा में लगभग जो है 38% के आसपास, और पूरे जिले का मैं जिक्र करूं तो लगभग 37% के आसपास है। ये वोटिंग प्रतिशत के बढ़ते आंकड़े किस ओर जाएंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन केडी यादव जी, जिसका जिक्र अभी यहाँ पर रत्नाकर जी कर रहे थे और चिल्लू पार का जिक्र आपने भी किया, उन्होंने कहा ब्राह्मण पर आपने भी दाव लगाया, ब्राह्मण पर बीजेपी ने भी दाव लगाया, ये वही चेहरे हैं जो कल तक बीजेपी में थे, तो अब आपको चिल्लू पार क्यों दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया ये तो हमारी सीट है? नहीं, चिल्लू पार में देखे वो हरिशंकर तिवारी जी सीट है और समाजवादी पार्टी के लोग उसके साथ खड़े और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। आज वहां एक तरफा चुनाव विजय तिवारी का है और रही बात जो आप अभी देख रहे हैं, इस तरह से हमारे इस जनपद में हमें लगता है कि पूरे प्रदेश में इन लोगों ने जो वोटर लिस्ट में वोट का सवाल है तमाम लोगों का इन लोगों ने कटवा दिया है। बहुत साजिश के तहत प्रशासन ने पहले वाले जो उन्होंने दिया था और उसमें तो था, लेकिन दूसरा जब उनको ओपन करना था तो उसको किसी को दिखाया भी नहीं। आज जो बूथों पर जो दिखाई है तमाम लोगों का इन लोगों ने नाम काट दिया, इससे बड़ा लोग निराश हो गया इस सरकार में। ये चुनाव आयोग से हम अपना शिकायत भी दर्ज करते हैं कि आप इस तरह से जिस तरह से काम लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिले तो इसमें तो हम लोग क्या कर सकते, कुछ चुनाव को वोट पड़ रहा है इसमें हम लोग केवल शिकायत करते हैं। और इसके बाद भी रही बात गोरखपुर जनपद मंडल का, पूरे मंडल में बहुत शानदार जो पहली बार 2017 में जो स्थिति थी उसका टोटल उल्टा हो करके समाजवादी पार्टी की स्थिति बनने जा रही है। अच्छा, तो निषाद कोई असर नहीं डालेंगे, मतलब निषाद बंधु जो जिनका जिक्र किया जा रहा था, संजय निषाद, प्रवीण निषाद, अब की बात निषाद समाज का राज है, जो ही भाजपा ने उनको आरक्षण के सवाल पे बुलाया और जो उनके सहयोगी है संजय निषाद ने तमाम पैसा लेकर भी आरोप लोगों ने लगाते हैं, पता चलता है तो उसे मालूम होता है कि पैसे का भी सवाल तमाम जगह आया है। और ये कहीं निषाद बिरादरी का वोट जो पाए है, जो निषाद क्या है, इससे भी निषादों में बड़ी आक्रोश है, गुस्सा है, वो खुद कह रहे हैं कि हम जो है समाजवादी के साथ चल करके अपने हक और हिस्से के। अच्छा केडी यादव, मैं रत्नाकर जी के पास जाऊं, ये माता प्रसाद पांडे जी का क्या लग रहा है आपको माता प्रसाद पांडे जी को लेकर? माता प्रसाद पांडे पुराने नेता है और वो जो यहाँ पर विकास करवाए है हर समाज के नेता है और इस नाते एक तरफा वहां भी वोट जा रहा है और अच्छे वोटों से जीतेंगे, जीत जाएंगे माता प्रसाद पांडे जी, हाँ एकदम एकदम जीतेंगे। और वहाँ का जो रुझान आया हम लोगों ने भी पता किया, लोग कह रहे हैं तरफा उठ जा रहा है। आप वहां पर तो बीएसपी का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है, बकायदा उन्होंने हरिशंकर को उतारा है जो कि खुद बीजेपी के बागी थे। देखिए बीजेपी का वहां का जो गणित राजनीतिक गणित है, तो अब की बात माइनॉरिटीज से लेकर के पिछड़े से लेकर के सामान्य वर्ग में जो भी है ब्राह्मण समाज से लेकर अन्य लोग इस तरफा वोट दे रहे वहां पर इटवा में, और इटवा की जो हालात है इस तरफा जो रिपोर्ट हम लोगों भी दे रहे हैं सर्वमान्य चेहरे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, और हरिशंकर जी को तारा है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सतीश चंद द्विवेदी जो है वो खुद यहाँ पर हुंकार भरते हुए दिखाई दिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? माता प्रसाद पांडे जी की किस्मत भी दाव पर है।
देखिए माता प्रसाद त्रिपाठी जी के लिए जैसा आप अभी कहा आपने कि एक बड़े चेहरे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सतीश जी वर्तमान में मंत्री भी रहे, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार की स्थितियां जो बन रही है वो थोड़ी सी तो माता प्रसाद जी पूरी तरह से मुझे फाइट में नजर आ रहे हैं अब आखिरी दौर तक जाते जाते, और मतदान का जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ रहा है। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल सर, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं कह रहा था जैसे जैसे मतदान का प्रतिशत, जी मतदान का प्रतिशत जैसे बढ़ता है तो माना जाता है कि ज्यादा मतदान होता है तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है, क्योंकि उसके मतदाता कम निकलते हैं, लेकिन माहौल भी ठीक है, मौसम भी ठीक है, तो माता प्रसाद जी पूरी तरह से फाइट में है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता है। गोरखपुर में अभी आप चर्चा कर रहे थे सरवन निषाद, संजय निषाद की निषाद पार्टी, चौरी चौरा में इन्होंने एक टिकट दिया है अपने लड़के को, बाकी जो इनके पास जो 12 सीटें थी उनमें बाकी सारे में इन्होंने श्रवण निषादों को टिकट दिया है, श्रवण निषाद को टिकट दिया ना, बस एक अपने लड़के को इन्होंने श्रवण निषाद को टिकट दिया है, बाकी जो इनके 11 सीटें रही हैं उसमें इन्होंने गैर निषादों को टिकट दिया है, जिसको लेकर निषादों में थोड़ा आक्रोश नजर आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि निषादों की राजनीति किया इन्होंने और ये निषादों को ही छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और वहां पर बड़ा ही मजेदार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे गोरखपुर जनपद में सबसे रोमांचक मुकाबला तो अगर हो रहा है चौरी चौरा में हो रहा है, जहां से अजय सिंह टप्पू जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे और माना जाता था कि ये योगी आदित्यनाथ के जो अत्यंत करीबियों की एक सूची होगी उनमें भी प्रमुख स्थान रखते थे, लेकिन और योगी जी इनके लिए टिकट के प्रयास भी किए थे, लेकिन वो समझौते में जाने के बाद उन्होंने अपना प्रत्याशिता लगा दिया है, और चौरी चौरा की पहचान शहीद बंधु सिंह से होती है जो एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे जिनको फांसी दी गई थी, तो ऐसे में उनके परिवार से जुड़े होने के कारण अजय सिंह टप्पू को क्षेत्र में बहुत ही वेलकम मिल रहा है, और यह भी माना जा रहा है जो अभी आपने कहा कि जो नारा लग रहा है तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनकी रत्नाकर जी वहां तो अगर मैं गलत नहीं हूं वहां तो नारा लग रहा है ना योगी आदित्यनाथ टप्पू सिंह जिंदाबाद। जी तो ये जो उनकी जो करीबी रही है योगी आदित्यनाथ से, तो उसको आप इसको आप अचानक एकदम से माइनस नहीं कर सकते हैं, यद्यपि वो भाजपा से निष्कासित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ भाजपा की एक पूरी टीम चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है, और कहीं ना कहीं सपा ने वहां पे एक बढ़िया छवि के एक व्यक्ति को टिकट तो दिया, लेकिन मुझे वो वहां की लोकल राजनीति में उतने प्रभावशाली हो पाएंगे कि नहीं, और सिर्फ अखिलेश जी के नाम पर या समाजवादी पार्टी के कैडर वोटों के दम पर वो कितना लड़ पाएंगे, जबकि वहां समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता टिकट की लाइन में थे जिनका जिनको टिकट न मिलने से थोड़ा वहां पर उनके मन में असंतोष है। इसलिए यहाँ टप्पू की लड़ाई मैं देखता हूं सीधे श्रवण निषाद से हो सकती है। अच्छा ये अगर श्रवण निषाद हार गए गलती से, इफ बट किंतु परंतु अभी कहना जल्दबाजी होगा, तो संजय निषाद के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि नहीं, इनके लिए अस्तित्व का संकट हो जाएगा श्रीमान जी, क्योंकि निषादों में इस बात को मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोग अपनी पत्रकारिता के दौर में जब निकले तो ये एहसास हो रहा था कि जिस आरक्षण को लेकर संजय निषाद ने निषादों को साधा था और भारतीय जनता पार्टी से निकटता बनाई थी, वो सिर्फ एक अपने एमएलसी और अपने 12-13 सीटों के साथ समझौता करके और उन 12 सीटों में 11 सीटें उन्होंने मोस्टली ठाकुर या ब्राह्मण को दी, निषाद को तो सिर्फ अपने पर, तो ये आम बात हो चुकी है कि संजय निषाद अपने एमएलसी हैं, उनका एक लड़का सांसद है और एक लड़का विधायक ही लड़ रहा है, बाकी उनके पार्टी से निषादों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा, तो अगर वो श्रवण निषाद हारते हैं तो निश्चित तौर पर संजय निषाद के लिए बड़ा अस्तित्व का संकट आएगा।